इसी फ्लो में मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ और बिल्कुल पीछे ही एक लड़का मेरे लेटा हुआ है जिसको आंखों के बीच में गोली लगी और उसकी दोनों आंखें अंदर को मुड़ी हुई हैं। अंदर गया वहां पे मैंने देखा कि मेरे जो दोनों दोस्त हैं दोनों शहीद हुए थे। पीछे की तरफ से उसको किसी ने सर के पीछे गोली मार दी है। 16 दिसंबर 2014 को पिशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में 6 गनमैन घुसे थे और बच्चों पर अटैक कर दिया था, जिसमें 114 लोग बच्चों समेत जख्मी हुए थे और 149 लोग बच्चों समेत शहीद हुए थे। वो पेनफुल इंसिडेंट हम हर साल याद करते हैं, हम भूल नहीं सकते। तो वो जो अटैक हुआ था उसके सर्वाइवर बिलाल अमजद आज हमारे साथ यहाँ पे अपनी स्टोरी शेयर करने आए हैं। तो बिलाल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप मैंने ईमेल का कहा और आपने मुझे बिल्कुल बहुत जल्दी से ईमेल भेजी और आपने कहा कि आप अपनी स्टोरी सुनाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया इसके लिए। और बीच में ऐसे काफी इंसिडेंट्स हुए होंगे जो कि हमें नहीं पता, जो टीवी पर नहीं आते, तो मैं चाहती हूँ कि आप ना मुझे अपनी स्टोरी सुनाएं कि उस दिन क्या हुआ था और कैसे हुआ था। शुरू करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो यस 16 दिसंबर हमारा फोर्थ जो लेक्चर था वो हो गया था। फिजिक्स की क्लास खत्म होने से पहले ही जो हेड बॉय है वो आए और उन्होंने कहा है कि ऑडिटोरियम में एक लेक्चर है जो कि आपकी फर्स्ट एड के ड्यूर। आपकी एज उस वक्त कितनी थी? आई वॉज 14 बैक देन। तो इन इन 9th और 10th। जी 9th क्लास में था मैं। तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट एड किट के बारे में एक लेक्चर है, हमें गाइड करने के लिए CMH से ऑफिसर्स आए हैं और वो हमें सिखाएंगे। तो सारी क्लासेस 9th की, सारे 10th सेक्शन पूरी और 8th, ये तीनों क्लासेस जितने भी स्टूडेंट्स थे इसके अराउंड 140, तो वो ऑडिटोरियम चले गए। और ऑडिटोरियम में सबसे पहले एंटर होने वाली क्लास जो थी, जो सेक्शन था वो हमारे ही था, तो उस वजह से 9th क्लास ज़्यादा आगे बैठी हुई थी फ्रंट रोज में। तो मैं और मेरे साथ मेरे दोस्त थे अजान तुरियाले, मुजम्मिल उमर और रामिश सलमान। कुछ दिनों पहले मेरी थोड़ी सी उनसे बहस हुई थी और एक तरह से खफा था उनसे, लेकिन बातें बातें हो रही थी तो वो अब गपशप लगा रहे थे आपस में। मैं थोड़ा सा क्योंकि रूठा हुआ था तो मैं ज्यादा उनको नहीं सुन रहा था। तो उन्होंने उनके पास प्रॉक्टर आए और उन्होंने कहा कि तुम लोग शोर कर रहे हो, बातें कर रहे हो, तुम लोग उठो और सबसे पीछे जाकर बैठ जाओ। तो वो उठे और वो सबसे पीछे चले गए। जैसे ही वो पीछे गए उन्होंने कहा कि आओ बिलाल तुम भी हमारे साथ। मैंने कहा नहीं यार मैं ये लेक्चर सुनता हूँ, तुम लोग जाओ। वो कहते हैं ठीक है। तो वो वहां पे मुझसे अलग हो गए। फिर कुछ ही देर में ऑडिटोरियम के डोर से मेरा कजन माहिर रिजवान वो एंटर हुआ और मैंने कहा आओ माहिर मेरे साथ बैठो, जगह खाली थी। कहा नहीं नहीं यार मैं ये बातें नहीं सुन सकता, ये लेक्चर वेक्चर है। तो वो भी पीछे चला गया, उन्हीं के साथ ही बैठ गया जाके। तो सही। फिर हमारे टीचर्स जो थे वो आए हैं, उन्होंने कहा कि चले आप खामोश हो जाएं सब लोग और लेक्चर शुरू होने वाला है। तो वहां पे जो ऑफिसर आए थे जो सिखा रहे थे उन्होंने स्टार्ट किया। जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया तो जैसे पटाखे कोई फोड़ो इस तरह की आवाजें आने लगी। तो हम परेशान हुए कि यार ये क्या हो रहा है। लेकिन कुछ दिनों पहले ही ऑडिटोरियम की छत के ऊपर, क्योंकि वो टीन की थी, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो जो मजदूर उसके ऊपर हैमर करते थे वो उस तरह की आवाजें हमें आ रही थी। हमें लगा कि शायद वो है। तो उन्होंने कहा कि इस सब को बच्चे आप लोग इग्नोर करें और इसके ऊपर फोकस करें, क्योंकि उनको भी कुछ नहीं अंदाजा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो बच्चे बार बार पीछे देख रहे थे क्या हुआ क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि यार आवाज बाहर से आ रही है, तो टीचर्स को कहा कि आप सारे लोग टीचर्स जो हैं ये डोर्स लॉक कर दें। तो उन्होंने पीछे वाले और सारे जितने भी डोर्स थे सब लॉक कर दिए सही। और
क्योंकि मैं डोर के सबसे करीब बैठा हुआ था, सेकंड सीट पे, तो वहां पे आके उन्होंने डोर्स लॉक कर दिए। मेरे पास 3D विजुअल्स हैं, मैं वो भी दिखाना पसंद करूंगा। जी, तो ये हमारा ऑडी कुछ इस तरह दिखता था। ये यहां से मैं एंटर हुआ था, ठीक। इस जगह से मैं एंटर हुआ था, और यहाँ पे फर्स्ट सीट पे ही, यहाँ पे फर्स्ट रो में सेकंड सीट पे मैं बैठा हुआ था, और मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सारे इस तरह यहाँ से पीछे चले गए थे। हमारा ऑडी जो था वो हाफ इधर सीटिंग्स थी, और इससे पीछे यहाँ पे एग्जाम्स वगैरह होते थे ओ अच्छा, पीछे वाले एरिया में। तो सही। टीचर्स ने सारे डोर्स लॉक कर दिए, और हम सब वापस सीधा सामने फेस करके बैठ गए। और अचानक ही फिर तेज आवाजें शुरू हो गई, जैसे कोई फायरिंग कर रहा है, और हम सब परेशान हो गए कि यार ये पटाखे नहीं है, या फिर ये कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, दिस तो इज समथिंग फायरिंग है। सीरियस। तो उसमें फिर जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सारे खड़े हो गए, और यही था कि यार क्या हो रहा है, हम भी देखें वगैरह। तो इसी में ना मैं बिल्कुल इधर ही खड़े होके ना पीछे डोर्स की तरफ देखने लग गया। मैं इस जगह पे खड़ा था, और आई'ल शो मेरा व्यू किस तरह था, बिल्कुल इसी तरह। मैं इसी तरह पीछे देख रहा था, और अब मैं देख रहा हूं मजे से, मुझे लगा कि यार कोई होगा। और अचानक ही ये वाला जो डोर है इसके ऊपर किसी ने किक किया, इस पूरा डोर खुल गया, और एक बंदा अंदर आया जिसके हाथ में गन थी, और क्योंकि पीछे से रोशनी आ रही थी और ऑडी की सारी लाइट्स ऑफ थी, तो उसका सिर्फ सिलुएट नजर आ रहा था, सही। और उसकी ना गन से स्पार्क्स निकल रही थी। तो हमारे ये स्कूल और कॉलेज में ड्रिल्स कराते थे कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपने कैसे निकलना है वगैरह, तो मुझे लगा कि यार ये वही है। और मैं ना मजे से देख रहा हूँ कि वाह यार, इतना रियलिस्टिक अप्रोच दिया है इस बार इन लोगों ने कि अपना ही बंदा है, डरने की जरूरत नहीं। बिल्कुल इसी तरह, और गन भी उसको पकड़ाई है और उससे स्पार्क भी निकल रही है, वाह और वो बहुत लिया भी अच्छा। बिल्कुल वैसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो अब मैं उसको इस तरह हाथ बांध के पीछे देख रहा हूं, और अचानक मेरे कान के करीब इस तरह एक जलन मुझे महसूस होती है, और मैं कहता हूँ यार ये क्या हुआ। और इसी फ्लो में मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, और बिल्कुल पीछे ही एक लड़का मेरे लेटा हुआ है, जिसको आंखों के बीच में गोली लगी, और उसकी दोनों आंखें अंदर को मुड़ी हुई हैं, उफ, सारा खून उसका निकल रहा था। उस आदमी ने गोली चला दी थी, जी बिल्कुल, उस आवाज वगैरह नहीं आदमी आई। नहीं, सारी आवाजें आ रही थी, पूरा अच्छा, ठीक है। उसके गन के बैंग्स वगैरह सारे उफ अरे यार, वो थे, बहुत तेज उनकी बैंग्स हमें सुनाई दे रही थी। तो हो तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार नहीं, सीन ठीक नहीं है, इट्स बैड। तो हाँ। क्योंकि मुझे बाद में पता चला, और इतना मैं डर गया था क्योंकि मैं यहां से अब उसको सामने फेस कर रहा हूँ, और मैं इस तरह मुड़ा, और मैंने यहाँ पे देखा है कि यार ये लड़का गिरा हुआ है, मैं डर के मारे मैं इस तरह मुड़ के इधर डोर के पास नहीं जा रहा था। मैं इतना डरा था उसको फेस करने के, मैंने वापस लंबा चक्कर पूरा इस तरह घूम के, और मैं डोर की तरफ भागा। डोर की तरफ जब मैंने देखा, तो क्योंकि डोर लॉक था, तो जितने भी बच्चे थे स्टूडेंट वो इस एरिया के ऊपर यहाँ जमा हो पे गए बिल्कुल थे। सर झुका के और एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठे हुए। क्योंकि मैं थोड़ा सा दूर था, इस जगह पे कहीं पे था, तो मैंने ये किया इसी चीज का फायदा उठा के कि मैं भागूं, और मैंने उनके ऊपर जंप किया, उनके ऊपर से जंप करके उनके ऊपर ही लैंड किया, क्योंकि जगह तो थी नहीं, और
जो डोर का लॉक था मैंने वो खोला, और जैसे ही मैंने डोर को इस तरह जोर दिया खोलने की तरफ, अंदर की तरफ, और थोड़ा सा खुले और मैं अपने आप को स्क्वीज कर रहा था कि मैं किसी तरीके से बाहर निकल जाऊं, कितने में ही किसी एक बच्चे ने मुझे यहां से पकड़ के धिक्का दिया और खुद वो बाहर निकला। ओहो अच्छा, जैसी मैं मुझे उसने धिक्का दिया, मैं साइड पे हूँ और वो ओपन डोर से उसने स्टेप आउट जैसे ही किया, पीछे की तरफ से उसको किसी ने सर के पीछे गोली मार दी है, जो भी था। तो यस, मुझे मेरे सुनते हुए सामने मेरे वो थे। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इस चीज को विटनेस करना, इस चीज से गुजरना कितना ट्रॉमेटाइजिंग होगा, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। काफी मुश्किल था मूव ऑन करना, लेकिन फिर उसके बाद वहां से, अब यहां से भी नहीं बाहर जा सकते, बाहर भी नहीं जा सकते, अब दरवाजे पे स्टक होके रह गए। जैसे ये हुआ तो मैं पता नहीं किसी तरीके से मैंने अपनी जान निकाली है, अपने आप को इतने तंग दरवाजे से निकाला है जिससे एक ही टाइम पे 20-30 बच्चे घुस रहे थे और एक दूसरे को धिक्का देकर निकल रहे थे। तो मैं वहां से निकला हूँ और उससे बाहर कॉलेज से मैं बाहर जाके गेट की तरफ गया हूँ, और अच्छी खासी वॉक है, तकरीबन 5 से 10 मिनट्स की वॉक है मेन गेट तक कॉलेज के अंदर ऑडी से। और वो मैंने कोई मुश्किलों मुश्किलों से हार्डली 5 मिनट की अगर वॉक है तो 1 मिनट के अंदर अंदर ही मैं भाग भाग के, इतना तेज भागा था तो इस दौरान, इस मैं। रास्ते में वहां पे कोई नहीं था। मेरे साथ मेरे और भी दोस्त थे तो उनको उनके साथ ही मैं गया हूँ गेट की तरफ, और गेट पे जाके जो आर्मी ऑफिसर था जो गार्ड कर रहे थे, मैंने उनको कहा कि अंदर जाएं, अंदर ठीक नहीं है, कुछ बुरा हो रहा है और इस तरह कुछ लोग आए और वो मार रहे हैं। तो गार्ड्स को नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है, नहीं, किसी को कोई आइडिया नहीं था। तो वो अंदर आए कैसे थे? अंदर वो आए थे पीछे वाले रास्ते से। अब लोग ये भी कहते हैं कि पीछे वाले रास्ते से किस तरह आ गए थे वगैरह, कोई उन्होंने गाड़ी चलाई थी, इस तरह की न्यूज़ भी आई है। वो पीछे वाले रास्ते में असल में ये था कि कच्चा मैदान था, कॉलेज की दीवार जहाँ पे लगती है, तो कच्चे मैदान से वो गाड़ी ड्राइव करके आ गए थे। वहां पे उन्होंने लैडर रखी थी और दीवार पलांग के जो तारे वगैरह थी वो काट के आए थे। जैसी वो दीवार उन्होंने पलांगी, शुरू में 2-3 माली थे क्योंकि वहां पे गार्डन था पीछे वाली साइड, उनको पहले उन्होंने शूट किया, जो हमें आवाजें आ रही थी दूर से, सही सही। ये वहां पे उन्होंने पहले उनको शूट किया, और उसके बाद वो आए हैं ऑडी की तरफ। तो यस, अब यहां से तो फिर मैं बाहर चला गया, लेकिन लोगों को यह अंदाजा नहीं है कि वो फिर जो अंदर लोग थे उन्होंने क्या विटनेस किया, और जो दहशतगर्द थे, टेररिस्ट थे, उनकी मूवमेंट क्या थी। तो क्योंकि ऑडी के अंदर 8, 9 और 10 क्लास थी, तो उन्होंने एक दफा वो एंटर हुए, 6, 7, कहीं पे 15, 14 आता है लेकिन कंफर्म नहीं है अभी तक। तो वो एंटर हुए सारे, उन्होंने रोज में खड़े होके जो स्टूडेंट्स सीट्स के नीचे छुप गए थे उनके पास जा जाके के कोई इस तरह शूट किया, और बर्स्ट मार रहे थे सारे स्टूडेंट्स के ऊपर, जो एक एक दूसरे के ऊपर आके लेट गए थे, उनके ऊपर बस कंटिन्यूअसली फायर कर रहे थे। और उसके बाद वो ऑडी के बाद निकले हैं, गए हैं कॉलेज विंग। कॉलेज विंग में क्योंकि कॉलेज विंग में 9, 10 फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सिर्फ होती है, कॉलेज विंग में 9, 10 ऑडी में थी, फर्स्ट ईयर की उस दिन छुट्टी थी एग्जाम की, और सेकेंड ईयर अपना प्रैक्टिकल देने आई थी। तो प्रैक्टिकल देने के लिए जो स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर के क्लास में बैठे हुए थे उनके पास क्लासेस में गई है, और क्लास में आते साथ ही उन्होंने उनके ऊपर फायर खोल दिया। काफी बातें आती है कि उन्होंने पूछा है कि आर्मी वाला कौन है और सिविलियन कौन है, फिर उनको अलग करके, इस तरह ये सारी बातें हैं। देयर इज नथिंग ट्रू टू दैट।
मेक्स नो सेंस ना, एग्जैक्टली क्या पहले बच्चों को डिवाइड करो और फिर उसके बाद, मेक्स नो सेंस। तो इस तरह कुछ भी नहीं था, उन्होंने बस आके फायर करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो जाने लगे थे। अच्छा, इतनी देर में, ये कोई 7 मिनट हो गए थे, तो 7 मिनट के अंदर अंदर ही हमारी आर्मी ने रिपोर्ट इन कर लिया था और वो कॉलेज के अंदर इंटर हो गई थी। 7 मिनट के अंदर ही स्कूल विंग के करीब आर्मी वाले आने लगे, तो हमारी स्कूल विंग की तरफ जाते हुए पहले लाइब्रेरी आती है, तो वो पहले लाइब्रेरी में, क्योंकि स्टूडेंट्स थे और मैम परेशान हो गई थी, उनको थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि देयर इज समथिंग बैड, और दूसरा ये कि इंजर्ड स्टूडेंट्स जो थे वो ऑडी से भाग के लाइब्रेरी के अंदर एंटर भी हो गए थे। तो मैम ने ये किया कि पूरी की पूरी शेल्फ जो थी वो लाके लाइब्रेरी के डोर के सामने खड़ी कर दी, और जो बाहर से तालिबान अंदर आ रहा था स्कूल विंग की तरफ, उसने पहले लाइब्रेरी को देखा और लाइब्रेरी के अंदर एंटर होने की कोशिश की, क्योंकि वो लॉक था, तो लाते वगैरह मारी, काफी कोशिशें की कि एंटर करे, लेकिन वो नहीं हुआ। तो उसने ये किया कि उसने बाहर से लाइब्रेरी को लॉक लगा दिया कि ये लोग कहीं पे भागे नहीं, और मैं वापस जाता हूँ, अपनी जो उनकी टीम थी उनको रिपोर्ट इन मैं करूंगा और वापस हम आएंगे और साथ ही और लेके टेंपल। आएंगे तो फिर इकट्ठे सब कुछ इकट्ठा बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल इसी तरह। तो तब उसने बाहर से लॉक कर दिया, तो ये वापस गया, और वापस ये लोग फिर गए एडमिन ब्लॉक की तरफ। एडमिन ब्लॉक में हमारे टीचर्स का स्टाफ रूम था, मेल फीमेल दोनों, हमारी प्रिंसिपल का ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, तो वहां पे जाके उन्होंने जो जो उधर छुपे हुए थे स्टूडेंट्स उनको मारा, जो टीचर्स थे उनको ब्लास्टिंग की, और प्रिंसिपल के ऑफिस में गए, वहां पे ब्लास्ट किया। उसके बाद ये हुआ कि वहां से वो फिर ऑडी की तरफ आए। अब इतनी देर में आई आई शेयर माई स्क्रीन ऑडी अगेन। में अभी भी लोग थे, बच्चे थे जी, अभी भी? ऑडी में बिल्कुल बच्चे थे, बच्चे भी थे, हमारी टीचर्स भी थी, जो जख्मी बच्चे हो गए थे, क्योंकि फर्स्ट एड किट का वो बताने के लिए आए हुए थे, तो तो सही। उनके पास बिल्कुल वो था, इक्विपमेंट था कि वो बच्चों को वापस पट्टियां वगैरह कर सकें। सही। वो जितने भी बच्चे थे वो सारे के सारे इन सीटों के बीच में से उठ के वो आ गए स्टेज के ऊपर, और स्टेज के ऊपर ये यहाँ पे ये एक छोटा सा रूम था, यहाँ पे ऑडियो वगैरह की मैनेजमेंट के लिए इधर होता था, स्पीकर वगैरह इधर से कनेक्ट हुए होते थे। तो सही। स्टूडेंट्स ने ये किया कि वो यहाँ पे आके इन इस जगह पे छुप गए, मैं ऊपर से बता देता हूँ, इस जगह पे वो आके काफी ज्यादा स्टूडेंट्स छुप गए। तो सही। इधर हमारी एक टीचर थी मैम साइमा, आई बिलीव उनका यही नाम था, न्यूली वेड, 8 मंथ्स प्रेग्नेंट, उनको इस जगह पे ठोड़ी की तरफ गोली लगी हुई थी, और वो गोली उनके अंदर विंड पाइप पे गई हुई थी, तो शी वॉज हैविंग डिफिकल्टी ब्रीथिंग, और भी काफी ज्यादा मेरे दोस्त वगैरह इस जगह पे जमा हुए हुए थे। तो इतने में वो बंदा जो लाइब्रेरी की तरफ गया था, गालिबन वही बंदा, वो वापस, क्योंकि लाइब्रेरी का रास्ता इस जगह से है, वो वापस आके इस डोर से एंटर होता है, और ओहो, देखते हैं कि यहाँ पे तो ये मैम जिंदा है, वो हिल रही है। तो और तकलीफ में है। उन्होंने कहा, तो उन्होंने ये किया कि मैम को शूट किया, और मैम के जो बाल थे उनके बालों के ऊपर उन्होंने कोई एसिड डाल दिया है, कुछ डाल दिया, जिसकी वजह से आग लगना शुरू हो गई। आग लगना शुरू हुई और वो आहिस्ता आहिस्ता आग बढ़ती गई और मैम को लगने जा रही थी, इस तरह बॉडी की तरफ मूव कर रही थी आग। तो वो बंदा तो खुद ही बाहर निकल गया था, लेकिन यहाँ पे मेरे एक दोस्त था तैमूर, उसने देखा, उसके पास रुमाल था, वो उसने रुमाल लेके ना मैम के बालों के ऊपर इस तरह मारना शुरू कर दिया कि आग बुझ जाए। तो इतने में वो बंदा वापस आ गया, उसने देखा तैमूर भी अपसेट है, तो उसने तैमूर को भी शूट कर लिया। तो फिर इस तरह एक टीचर को जलाया भी गया था इधर ही। तो वो तो जिंदा जिंदा तो नहीं रही होंगी वो? बिल्कुल नहीं, वो मैम झुलस गई थी। और तैमूर भी?
तैमूर, नहीं तैमूर जला नहीं था, पार्शली उसको थोड़े से बर्न आए हुए, लेकिन वो ऑन द स्पॉट ही उसकी डेथ हो गई थी जब उसने पहले तैमूर को शूट किया था, देखे कि वो मैम को बचा रहा है। और इस वक्त आप कहाँ पे थे? आप तो जा चुके थे शायद। जी मैं भाग के घर की तरफ निकल गया था, लेकिन घर मेरा काफी ज्यादा दूर था, तो मेरे दोस्त ने कहा है कि तुम हमारे साथ मेरे हॉस्टल आ जाओ, तो मैं उसके हॉस्टल चला गया। वहां पे मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल की, मैंने कहा है कि आप लोग मुझे यहाँ पे पिक करने आ जाओ, तो वो आए हैं, उन्होंने मुझे पिक किया है। रास्ते में जाते हुए CMH से हम गुजरे थे, तकरीबन इस हादसे को 1.5 घंटा या 2 घंटे हो गए होंगे, तो CMH से गुजरते हुए मैंने देखा कि यार काफी ज्यादा शोर हो रहा है, CMH के अंदर रश भी है, तो मैंने अबू को कहा कि अंदर जाना है। अंदर गया, वहां पे मैंने देखा कि मेरे जो दोनों दोस्त हैं मुजम्मिल और अजान, दोनों शहीद हुए थे। आमिश की बॉडी उस वक्त नहीं मिली थी, और सुधर देख के मैं रोने लग गया। थोड़ी देर पहले मेरे साथ बैठे थे, अभी उनकी बॉडी मेरे सामने लाइफलेस। एक 14 साल के बच्चे के लिए क्या, किस तरह से फिर कोप किया इस चीज से? वो बहुत बड़ा ट्रॉमा होगा, एंड आई एम श्योर कि बहुत बहुत टाइम लगा होगा इस चीज से बाहर निकलने के लिए, और शायद अब अभी भी बाहर नहीं निकल पाए होंगे उससे। टाइम इज अ गुड हीलर, जब कभी भी याद आते हैं, हाँ ऐसे फ्लैशबैक जब भी आते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन टाइम से अच्छा हीलर कोई भी नहीं है। शुरू में ये होता था कि कोई भी दरवाजा बंद कर दे, या फिर कोई तेज आवाज आ जाए, कोई चीख मार ले, तो बहुत ज्यादा PTSD हालत पर बुरी कि हो जाती थी। दोबारा से वही कुछ ना हो रहा हो, वही सब कुछ ना शुरू हो गया हो, फिर से कोई ना आ गया हो। बिल्कुल इसी तरह ही था, और काफी ज्यादा डिप्रेशन, मूव ऑन नहीं हुआ जा रहा था। फिर मैंने अपने दोस्तों को ख्वाब में देखा, मैंने अजान को ख्वाब में देखा कॉलेज में, और मैंने कहा अजान तो जिंदा है यार, कहते यार मैं तो जिंदा ही हूँ, क्या हुआ था मुझे? ये मैंने देखा था। और एक बड़े मजे का एक और इस तरह वाकया इसी ख्वाब से रिलेटेड आया है। आमिश, मैं ख्वाब में ये देखा कि मैं आमिश के घर हूँ, और मैं कभी भी आमिश के घर मैंने विजिट नहीं किया था, तो मैं उसके ड्राइंग रूम में हूँ और वो बैठा हुआ है, तो मैंने कहा आमिश तुम तो जिंदा हो, कहता है हाँ मैं जिंदा हूँ। तो मैंने, अब मुझे ये भी नहीं पता उसके फैमिली मेंबर्स कौन कौन है, तो कहता है कि यार जाओ मेरी बहन को बुला के लेकर आओ। तो मैं उसके ड्राइंग रूम से निकलता हूँ बाहर, लेफ्ट साइड पे मुड़ता हूँ और पूरा घर में सरक घूमता हूँ, और फिर उसकी बहन को जाके बुला के लेकर आता हूँ कि यार आपका भाई जिंदा है और वो बड़ा खुश है वगैरह। अगले दिन मैं आमिश के घर चला गया उनके पेरेंट्स को ये बात बताने, तो मैं उसके घर पहली दफा गया हूँ, और लिटरली वही उनका ड्राइंग रूम और पूरे घर का प्लान जो मैंने ख्वाब में देखा था सारा का सारा वही। तो ये बहुत यस, वियर्ड बात है, ये बहुत वियर्ड है। हाँ बस अल्लाह के राज हैं ये सारे, बिल्कुल। और मुझे पता भी नहीं कि उसकी बहन है और बड़ी बहन है। फिर वो वाकई में, वो आप खुद ही बताने आए थे कि शहीद तो वाकई जिंदा ही रहता है, और वो बिल्कुल शहीद हैं और बिल्कुल वो जिंदा ही हैं। वो अपनी दुनिया में, अपने अल्लाह ताला के पास, बरजख में वो जिंदा हैं, वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते। बिल्कुल इसी तरह ही है, देयर आर बेटर प्लेस। बिल्कुल। और अल्लाह ने आपको बचाया, और जिस तरीके से आपने सरवाइव किया, आई एम श्योर कि आपका कोई बहुत बड़ा पर्पज है जो अल्लाह ने आपसे लेना है। बस अल्लाह ने एक चांस दिया है, और चाहते हैं कि फिर उसका अच्छा सा यूज हो जाए बस। बिल्कुल इस मुल्क को बेहतर से बेहतर बनाए, और पूरी लोगों को इस मुल्क को मुझसे कोई फायदा ही हो। इंशाल्लाह, बिल्कुल। अल्लाह आपको सब्र दे, और उनकी फैमिलीज को भी सब्र दे, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके भी, और
बस बस ऐसा दोबारा कभी ना हो, वो बड़ा डार्क डे था और कितने दिनों तक यकीन ही नहीं आता था कि ऐसा हो रहा है, और दिन और हर टाइम के साथ जो है नंबर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे थे कि इतनी डेथ्स हो गई, इतनी डेथ्स हो गई। इसके बाद इसी के बाद जिंदगी में कोई ऐसा चेंज आया जो लगता है कि अगर वो वाकया ना हुआ होता तो वो चेंज ना आता? आपने अपनी लाइफ में कुछ चेंज किया हो? हाँ बिल्कुल, इस हादसे की वजह से ये हो गया कि एक्सपोजर काफी ज्यादा मिला। काफी ज्यादा लोगों ने पहचान लिए कि यार ये बंदा है, और यू नो काफी ज्यादा अप्रोच लोग किया सोशल लोगों ने मीडिया आपको? पे, एग्जैक्टली सोशल मीडिया पे काफी लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ। तो उससे ये हुआ कि इंसानों का और लोगों का मुझे अंदाजा हो गया कि क्या है इस दुनिया में, ये तो जो चेहरे पे है वो पीछे कैसा है वगैरह। तो बिल्कुल उससे ये हुआ कि एक्सपोजर बढ़ने की वजह से थोड़ा सा आइडिया हो गया, और थोड़ी सी अपने जो एज फेलोस थे उनसे ज्यादा मुझे अंदाजा हो गया था कि यार एक्सपीरियंस आपको ज्यादा हो गया, आपने वो सब कुछ देखा जो आपके एज फेलो को पता भी नहीं है। बिल्कुल यही चीज, सही। तो यही हुआ था। अच्छा अच्छा चलें, लगा आपसे बात करके, और थैंक यू वेरी मच आप यहाँ पे आए और आपने इतना कुछ हमसे शेयर किया। लाइकवाइज, थैंक यू। बिलाल अमजद को अगर तुम फॉलो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इनका इंस्टाग्राम मेंशन है, यू कैन फॉलो हिम देयर। और अगर तुम अपनी स्टोरी सुनाना चाहते हो तो पार्टिसिपेट करने का तरीका डिस्क्रिप्शन में मौजूद वीडियो में डिटेल से मैंने बताया है, उसको फॉलो करो और मेरे साथ तुम पॉडकास्ट कर सकते हो।